हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एआई होम्स। आज हम आपको जिस प्रोजेक्ट पे लेके आए हैं वो है सेक्टर 127 की लोकेशन में एक्मे शिवालिक हाइट के नाम से। आज हम इस प्रोजेक्ट को सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि इसको पूरी तरह से समझेंगे। और आज हमें ये प्रोजेक्ट समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है शीना मैम, जो कि इस प्रोजेक्ट की हेड है। हम उनसे जानते हैं कि इसकी लोकेशन कैसे है, प्रोजेक्ट बना किस स्टेज पे है, इस टाइम पे पोजेशन टाइम्स क्या है, प्राइस क्या है, सब कुछ उनसे समझना है। अभी मैम, पहले हमें ये बताइए कि इस लोकेशन पे अगर क्लाइंट्स को आना हो तो जी हम किस साइड से आ सकते हैं, कौन कौन सी कनेक्टिविटीज हैं इसमें। मैम, मैं पहले थोड़ा सा ना आपको प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो मेरा प्रोजेक्ट है एक्मे शिवालिक हाइट्स के नाम से सेक्टर 127 पे लोकेटेड है, ठीक है। अभी हम लोग जो बैठे हैं सेंट्रल लोकेशन में बैठे हैं, जो कि हम देखें तो एयरपोर्ट रोड से और करण लांडा रोड से अपनी कनेक्टिविटी आती है। ये हमारे प्रोजेक्ट का मैप रहेगा, ठीक है, जिसमें कि ये जो आप ये वाली रोड देख रहे हो, अगर हम राइट साइड से आते हैं तो ये वाली कनेक्टिविटी हमारी एयरपोर्ट रोड से आती है। थोड़ा सा जिगजैग आता है बीच में, ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है, ठीक है। और अगर हम इधर से देखते हैं, मेन कनेक्टिविटी जो काउंट होती है वो करण लांडा रोड से होती है, ठीक है, जो रहेगा 800 मीटर टू 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है। 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं होगा मैम, 700 टू 800 मीटर एग्जैक्ट आता है ये, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा करण लांडा रोड से मेन कनेक्टिविटी रहेगी। यहाँ से हम अंदर एंटर करते हैं, देन हमारी 4.5 एकड़ की पूरी लैंड आ जाती है वहाँ, ठीक है। अब प्रोजेक्ट के अंदर हमारा एंटर एग्जिट एक ही रहेगा, जहाँ से आप ये वाला जो मैंने बताया एयरपोर्ट रोड वाली रोड आ गई, एंड ये वाला अपना खरड़ लांडा वाली कनेक्टिविटी आ गई। और अभी हम शिवालिक सिटी में सेंटर लोकेशन में बैठे हैं सेक्टर 127 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है हमारा कितने एरिया में अब कंप्लीट? मैम, ये 4.5 एकड़ की पूरी लैंड है जो कि रेरा से अप्रूव करा रखी है हमने, ठीक है। हम इसमें आपके अभी तक टोटल यूनिट्स कितने हैं? मैम, इसमें टोटल यूनिट्स रहेंगे आपकी 274 यूनिट्स रहेंगे, ठीक है। अभी हम अगर प्रोजेक्ट की अमेनिटीज की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज हमें मिल सकती है? मैम, करेंटली जो अमेनिटीज है हमारे पास ना, जैसे हमारा रनिंग ऑलरेडी जो हमारी अमेनिटीज है वो सारी रनिंग में है। क्लब हाउस हमारा ऑपरेशनल है, जिम हमारा ऑपरेशनल है, ठीक है। क्लब में जो अमेनिटीज दे रहे हैं, पार्टी हॉल रहेगा आपका, स्विमिंग पूल आउटर साइड पर रहेगा, और इसमें एक प्लस पॉइंट है कि अडल्ट्स का अलग है और चिल्ड्रंस का अलग। मतलब अभी आप ये कह रहे हो कि हमें कोई भी फ्यूचर अमेनिटी सोचने की जरूरत नहीं है, जो अभी हमें मिलने वाली है ये सब कुछ ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे वर्किंग में है आज की डेट में। यहाँ पर मैम यही है कि हमारे जो प्लस पॉइंट है, फर्स्ट अगर यहाँ पे बायर अगर बाय करता है तो दो तीन चीजें प्लस हैं, ठीक है। मतलब प्लस पॉइंट हमारे ये है कि एक तो हमारा डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी हम पोजेशन दे चुके हैं। इसमें जो 2 टॉवर्स आप देख रहे हो, ये वाला जो टॉवर है ये 3+1 का है, 3 बेडरूम+1 जो हमने सबसे पहले बनाया था सर्वेंट रूम के साथ, ठीक है। देन हमारा ये सेकेंड टॉवर है 3+1 एंड 4 BHK का सेगमेंट है, जो कि हम डिलीवर कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये दोनों हम लोग डिलीवर कर चुके हैं। अब हमारा जो नया जो वर्किंग चल रही है वो मायवान पे चल रही है, और अभी ये हमने ब्रिक्स में पहले हमने डिलीवर किया, अभी हम नया लेकर आए हैं मायवान कंस्ट्रक्शन के अंदर, जो कि आपको हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हमारे क्लाइंट्स को कि मायवान कंस्ट्रक्शन और ब्रिक कंस्ट्रक्शन का क्या डिफरेंस है? मैम, इन दोनों में डिफरेंस जो मेन रहता है, जैसे ये RCC कंस्ट्रक्शन होती है, शटरिंग बेस्ड ये बनी होती है मायवान कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर सीपेज और शोरा की प्रॉब्लम लाइफ टाइम नहीं आती है। मतलब मेन जो क्लाइंट्स को दिक्कत होती है कि घर लेने के बाद साल के बाद शोरे की दिक्कत आ रही है, सीलन आ रही है, वो हमें यहाँ पर नहीं बिल्कुल। अभी मैम जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है वो मायवान में आ रही है, जो कि हम भी बना रहे हैं, और हम देखते हैं कि बेटर डिलीवरी आपको दें जिसमें कि ना तो क्लाइंट को प्रॉब्लम आए। पहले हमने ब्रिक में भी जो डिलीवरी दी है उसमें भी हमने अपनी बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की है, अभी इसमें जो हम दे रहे हैं वो हम मायवान के अंदर इसको भी हम और अच्छा बनाने की ब्यूटिफिकेशन इसमें और ऐड कर रहे हैं कि और बेटर क्या कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और अभी हमारा जो पार्क एरिया आप देख रहे हो, 1 एकड़ के अंदर हमारी सोसाइटी का पार्क है, जिसके अंदर हमारा सेंटर में क्लब हाउस बना हुआ है जो कि ऑपरेशनल है, पूल हमारा ऑपरेशनल है, ये सारा वॉकिंग ट्रैक रहेगा, और 2-4 चीजें हैं जो और सोसाइटीज में नहीं होती हैं, हम उसमें वो भी आपको बेसिक जो अमेनिटीज होती हैं आजकल की जो नीड है, मंदिर हम सोसाइटी के अंदर ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि जो भी हमारे जो सीनियर सिटीजन जो घर से बाहर नहीं जा सकते हैं वो सोसाइटी के मंदिर में आ सकते हैं। मतलब आपने सोसाइटी में बच्चों के खेलने तक से लेके बुजुर्गों के मंदिर जाने का सारा सिस्टम सोसाइटी के अंदर ही रखा है, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सारे सोसाइटी के अंदर सिक्योर है। जी मैम,
ठीक है। और इसमें जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे अगर हमें घर लेना है तो हमारी जो नीड्स हैं, जो हमारी नीड्स रहती हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमें 24/7 चाहिए, वाटर सप्लाई चाहिए, ठीक है, वो दोनों चीजें हमारी यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने पावर बैकअप का अरेंजमेंट आपके लिए कर रखा है, जो की आपके लिए लाइफ टाइम रहेगा, ठीक है, जिसमें आपके पास 5 KVA तक की, हम मतलब 8 KVA तक की लोडिंग है वैसे वहाँ पे, बट आपको हम 3 KVA तक का तो दे ही रहे हैं हर फ्लैट के साथ ना। अगर आपको उसको लोडिंग को अपग्रेड कराना है और ज्यादा आप करवाना है तो आप करवा सकते, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि हमारी सोसाइटी का ही है, जो अंदर बना हुआ है, उसके लिए भी हमने इसको कॉर्नर पे एसटीपी प्लांट हमारा जो है वो भी ऑपरेशनल है। और पूरी सोसाइटी में, जैसे कि मैम आजकल आपने देखा रेनी सीजन है, या बारिश की वजह से बहुत पानी खड़ा हो जाता है रोड पे, सोसाइटीज के अंदर बहुत प्रॉब्लम है, तो हमने क्या करा है, इस सोसाइटी के अंदर सभी जगह रेन हार्वेस्टिंग पॉइंट्स बना रखे हैं, जिसमें कि पानी रुकता ही नहीं है मैम, मतलब पानी नहीं खड़ा होता है। अगर ज्यादा, बहुत ज्यादा बारिश है तो 1 घंटे के अंदर सारा वो क्लियर हो जाता है। अभी जैसे आप कह रहे हो कि सोसाइटी के अंदर जैसे हमें मेन दिक्कत जो देखने को मिलती है ना, वो सीवरेज का, तो चलो आपने बता दिया, पार्किंग का इसमें कैसे आप सिस्टम कर रहे हो, कैसे दे रहे हो? पार्किंग की अगर मैं बात करूं तो मैम, हम जो फ्लैट डिलीवर कर रहे हैं उसके अंदर एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्किंग हर एक फ्लैट के साथ दे रहे हैं, जिसमें को आपको कवर्ड पार्किंग मिलेगी। अदरवाइज अगर आपके पास कोई सेकंड कार है, आजकल तो हर किसी के पास 2 कार्स तो रहते हैं, जिसमें कि हमने एक कवर्ड आपको दे रखी है और एक हमने आपको जो अगर आपकी अनदर कार है, अगर आपको लगता है कि उसके लिए भी आपको कवर्ड चाहिए तो वो भी हम आपको सर्विस दे देंगे, ठीक है। उसके लिए हमारी कुछ और फॉर्मेलिटीज रहती हैं, जैसे कि वो पेड रहती है, और अगर आपको वैसे चाहिए कि आपका कोई गेस्ट आ रहा है या कुछ है, उसके लिए हमारे पास ओपन पार्किंग का स्पेस बहुत है, ठीक है, उसमें हमने इंटरनल इतना स्पेस है कि बाहर आउटर पे बहुत सारी गाड़ियों की पार्किंग हमने छोड़ी हुई है, जो गेस्ट पार्किंग के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी जो इसमें अवेलेबल फ्लैट्स हैं, उसकी पोजेशन की अगर बात करें तो वो कितने टाइम तक हम शिफ्ट करवा सकते हैं? मैम अगर मैं बात करूं तो अभी करेंटली हम लोग मेवान पे वर्किंग कर रहे हैं, मेवान में जो हम आपको फ्लैट दे रहे हैं, जिसका मेरा अभी एक स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हुआ है S+10 के अंदर, इसको हम बना रहे हैं S+10 के अंदर, और ये दोनों टावर्स आपने देखे S+6 के अंदर बने हुए हैं। जो सबसे बड़ा टावर आ रहा है वो S+10 में आ रहा है, S+10 में फ्लोर रहेंगे, एक फ्लोर पे 4 फ्लैट रहेंगे मैम, और फ्लैट टू फ्लैट बहुत गैप हमने दिया है, मतलब जोड़ जोड़ के फ्लैट नहीं है, बहुत डिस्टेंस बना है, ठीक है। ये भी अगर आप एक बार विजिट करेंगे आपको भी फ्लैट दिखाते हैं, उसमें आपको देखकर क्लियर हो जाएगा। और इसमें क्या रहेगा मैम, जो पोजेशन टाइमिंग रहेंगे वो हम इसको इसी साल डिलीवर कर रहे हैं। एक मेरा टॉवर रेडी टू मूव इन में है, जो कि ऑलरेडी कंप्लीटेड है, जिसमें कि अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है। देन मेरे 2 टॉवर्स और हैं, जो अपकमिंग टॉवर्स हैं, एक का पोजेशन 1 साल में रहेगा, देन नेक्स्ट का पोजेशन 2 साल बाद रहेगा, ठीक है। चलो हमने इसको मैप पे तो एक बार समझ लिया, अभी चलते हैं हम अपने सैंपल की तरफ, सोसाइटी एक बार आपको विजिट करवाते हैं, ताकि हमें फिजिकली भी चीजें क्लियर हो कि जो जो मैम ने हमें बताया वो हमें एक्चुअल में मिल भी रहा है कि नहीं, ठीक है मैम? जी बिल्कुल। और एक चीज मैम आपको और बताना चाहूंगी, जो मेरी सोसाइटी है इसमें ना तो हमने 1 BHK बनाया है, ना 2 BHK बनाया है, सिर्फ 3 BHK बनाया है, जो कि अगर कोई भी फैमिली प्रेफर करती है कि उसको एक पीसफुल सोसाइटी चाहिए, जिसको बिल्कुल ही ऐसा नहीं चाहिए माहौल की, जैसे आपको पता है कि 1 BHK और 2 BHK में क्राउड मिक्स होता है, जिसमें कि बैचलर्स भी होते हैं ना, जो फैमिली पे बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट आता है, बट इसमें क्या है कि हमारे जो बने हुए सारे 3 BHK लग्जरी सेगमेंट है, सेम कॉन्सेप्ट बना है सारा, तो इसमें आपको ये वाला सारा जो है एटमॉस्फेयर भी आपका बहुत अच्छा रहेगा फ्लैट पूरी सोसाइटी के अंदर मैम, और गेटेड सोसाइटी है मैम, माई गेट ऐप ऑलरेडी मेरी चल रही है, सर्विसेज मेरी ऑलरेडी स्टार्टेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं आपको बोलूं कि आएगा बनेगा, ऐसा नहीं है, ऑलरेडी जो है लाइव है आपके सामने रहेगा, यहाँ पे फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं और हर चीज को यूज कर रही हैं, बिल्कुल मैम। और अभी आपको सब कुछ दिखाएंगे जो भी मेरा ऑलरेडी रनिंग में है, तो आप एक बार विजिट करें और आप पहले मेरा फ्लैट देखिए जो हमने स्पेस प्रोवाइड किया है, होपफुली आपको पसंद आएगा मैम। चलिए फिर चलते हैं, एक बार सोसाइटी विजिट करते हैं। मैम ये जो अभी आपने यहाँ से एंटर किया है, तो एंटर करते ये जो आप राइट साइड में देख रहे हो, ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे 24/7 अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और ऊपर जो आप ये स्पेस देख रहे हो मैम, ये सारा जिम एरिया रहेगा, जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है, मेरी सारी जिम की सारी जो सारी मशीनरी अवेलेबल है ऊपर। और जो आप नीचे जो रूम्स देख रहे हो जो सामने बने हुए हैं, ये वेटिंग एरिया हमने बनाया है अपने जो भी हमारे स्टूडेंट्स, जो बच्चे यहाँ से जाते हैं स्कूल के लिए, उनके पेरेंट्स जो वेट करते हैं उनके लिए हमने सिटिंग स्पेस बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि सिक्योरिटी तो हमें यहाँ पे मिल ही रही है, जिम हमारे पास है, वेटिंग एरियाज हमारे पास बने हुए हैं, और जैसे मैम ने हमें बताया कि यहाँ पे फैमिलीज ऑलरेडी शिफ्टेड है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर घर में आपको पोजेशन दे रखी है, फैमिलीज रह रही है, तो ये तो ठीक है कि हमें हर चीज जो है वो इस टाइम वर्किंग में ही मिल रही है। अभी जैसे कि हमें था कि यहाँ पे मैम ने बताया था कि फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं, तो हम पीछे देख भी पा रहे हैं कि फैमिलीज ऑलरेडी शिफ्टेड हैं,
और मेरे सामने इस टाइम पे पार्क बिल्कुल रेडी है, जो जो फैसिलिटीज मैम ने बोली थी वो सारी इस टाइम पे वर्किंग में हमारे सामने है जी। और मैम बताएंगे आप, ये देख सकते हो मैम, ये जो कंस्ट्रक्शन हमारी चल रही है, जैसे अभी ये वाला टॉवर मैं आपको बता रही थी, ये मेवान के अंदर बना हुआ है, ठीक है। और इसकी कंस्ट्रक्शन देखो आपको कंपैरेटिवली ब्रिक के बहुत ही अलग लगेगी, राइट। ये अपना ब्रिक का टॉवर आ जाता है, इधर अगर आप देखें सर लेफ्ट साइड में आ जाता है, मतलब ये लेफ्ट साइड में अपना ब्रिक कंस्ट्रक्शन आ गई, इधर हमारी मायवान आएगी। तो मेवान में क्या डिफरेंस है, आरसीसी कंस्ट्रक्शन है, इसकी लुक ही मैम अलग आती है, अगर हम बाहर से देखें आपको डिफरेंस पता लग रहा होगा। बिल्कुल, मैं देख पा रही हूँ कि काफी देखने में ही लग रहा है कि बहुत ही मजबूती से बन रहा है ये, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। हाँ जी, और उसके बाद आप देखें कि सेकंड टॉवर जो हमारा साथ के साथ हमने शुरू किया हुआ है, कि इसमें हमारा ये रहता है कि मैम हमारी कंस्ट्रक्शन में अगर है ना वो स्पीड हम साथ में लेकर चलते हैं, कि जैसे हमने फर्स्ट टॉवर बनाया उसका ऑलमोस्ट अभी हम लोग फिनिशिंग काम पे चल रहे हैं, तो हम साथ साथ इसको शुरू कर रहे हैं, देन हम इसका जब सेकंड थर्ड फ्लोर बना देंगे तो थर्ड टॉवर की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा पार्क पूरी तरह से रेडी है इस टाइम पे जी। ये सामने मैम क्लब हाउस है। हाँ जी मैम, ये क्लब मेरा ऑलरेडी ऑपरेशनल है, क्लब बना हुआ है, उसके साथ ही पूल है, जैसे कि आप पूल देख रहे हो इसमें अडल्ट और बच्चों का अलग रहे। यहाँ पे ये क्लब हाउस वगैरह ऑलरेडी बने हुए हैं जी, जैसे आप बता रहे थे कि किड्स के लिए अलग से बना रखा है, अडल्ट्स के लिए अलग से है। हाँ, तो अभी ये क्या ये वर्किंग नहीं मैम, ये ऐसा रहता है कि जैसे आप ये देख रहे हो आपके राइट साइड में ना कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है, दूसरा की अभी जो रेन हो रही है बार बार बैक टू बैक जो भी वेदर की वजह से ना, इसको हम लोग क्लीनिंग में लेते हैं, हर टू डेज बाद इसकी क्लीनिंग चल रही है। उसके बाद क्या होता है, अभी जब जैसे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो सारी डस्ट ऊपर से नीचे आती है, ठीक है, तो अभी हम इसको, अब जैसे क्या है कि सोसाइटी को डिलीवर किए हुए हमको 4 to 5 years हो गए हैं, राइट। उसमें क्या रहता है, अब 4 to 5 years बाद हर एमेनिटीज ना अपग्रेड होती है जी, तो अब हम क्लब का सोच रहे हैं कि हम इसको रिनोवेशन में करें, जो जो चीजें आपको लगता है कि अपग्रेड करनी चाहिए, तो वो हम बच्चों के लिए कुछ गेम्स, अभी नई चीज, कुछ नई चीज आप प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं अंदर, बहुत अच्छी बात है, इसको और बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूल को हम कवर कर देंगे, बिकॉज ऑफ अगर कंस्ट्रक्शन भी हो रही है या रेन भी हो रही है तो इसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा मैम उससे। ठीक है जी, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे पार्किंग वगैरह भी प्रॉपर है, मेंटेन की हुई है सोसाइटी, और ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है फिर भी सोसाइटी के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आराम से सारा काम भी चल रहा है और लोग रह भी आराम से पा रहे हैं, कोई खिटपिट नहीं है फालतू की जी मैम। और इसमें मैम आप जो क्लब के अंदर ये रहेगा, अगर आपको कोई पार्टी प्लान करनी है, आपको घर में कुछ फंक्शन है, कोई गेट टुगेदर है, जी, तो आप 40 to 50 पीपल की गैदरिंग आराम से अंदर कर सकते हो। फुल्ली एसी हॉल रहेगा, साथ में ही वॉशरूम है इसके, जैसे आपके गेस्ट आते हैं तो आपको घर पे भेजने की भी जरूरत नहीं है। ओके, ऑलरेडी वॉशरूम भी हमने साथ में इसके बना रखे हैं, तो आपको वो चीज की भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और जो आप मेरा पार्क एरिया देख रहे हो वो सारा, इसके अलावा मेरा जो पार्क है वो 1 acre में बना हुआ है, ठीक है। अगर आपने कुछ गेम्स भी बता रहे थे कि कुछ हमने गेम्स वगैरह भी बना रखे, इंडोर गेम्स रहेंगी मैम पूल, ये जो आप अपना देख रहे हो क्लब हाउस, उसमें इंडोर गेम्स रहेंगी, जो पहले गेम्स थी, अभी क्या हमें फीडबैक आ रहा है सोसाइटी से ही कि हम थोड़ा सा अपग्रेड करें, बिल्डर को भी होता है मैम टाइम टू टाइम ना, हम इसको 3-4 years बाद, हर एक बंदा चाहता है कि कुछ नई अपग्रेड, हम जो अब नई चीजें आ रही है, नई टेक्नोलॉजी के साथ जो चीजें बन रही है, तो हम क्लब में उसको एड ऑन करें, तो अब हम वही चीजें अब एड कर रहे हैं, अपने ही जितने भी हम कस्टमर हमारे जो रह रहे हैं रेसिडेंट्स हैं उनसे फीडबैक लेके इसको थोड़ा और अपग्रेड करना। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बहुत सही। हम पार्क एरिया में आ गए हैं मैम, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा किड्स प्ले एरिया है, जिसके अंदर हमने छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक का सबका ध्यान रखा है, इवन एडल्ट्स का भी ध्यान रखा है। अगर आपको बैडमिंटन खेलना है तो हमने उस हिसाब से यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट बना रखा है, ठीक है। और उसके बाद अगर जो यहाँ पे सोसाइटीज के जो भी फंक्शन होते हैं, गेट टुगेदर होता है, अगर आपको लगता है कि आपके क्लब हाउस में वो क्राउड ज्यादा है या आपको ओपन में कोई फंक्शन करना है, तो आप पार्क स्पेस को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम यूज कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। उसके लिए बस आपको हमारे मेंटेनेंस ऑफिस से पूछना होता है, देन आप ये पार्क स्पेस में भी अपना फंक्शन एंजॉय कर सकते हो। अभी जितने भी करेंटली फंक्शंस होते हैं, जैसे बैसाखी हो गई, तीज हो गया, तो जो भी फंक्शंस यहाँ सेलिब्रेट होते हैं वो पार्क एरिया में ही होते हैं। मतलब आप ये कह लो कि बच्चों को खेलने के लिए सोसाइटी से बाहर नहीं जाना है, बुजुर्गों को घर पूजा करने के लिए मंदिर के लिए बाहर नहीं जाना है, इवन अगर मेरे घर में कोई फंक्शन है तो मुझे सोसाइटी से बाहर नहीं जाना है, अपनी ही सिक्योर सोसाइटी में मैं सारा कुछ कर सकती हूँ। बिल्कुल मैम, और ये जो जितनी भी आपके सराउंडिंग अगर मैं बात करूँ शिवालिक सिटी के अंदर ही, तो आजकल जो हमारी बेसिक नीड्स रहती है, ग्रोसरी शॉप, ये सब आपके नियरेस्ट हार्डली 100 meter के डिस्टेंस पे आपको ग्रोसरी, 200 meter के डिस्टेंस पे आपको ये सारी केमिस्ट, सारी आपकी जो डेली नीड्स हैं वो आपको वहीं पे मिलेगी मैम। राइट मैम, ठीक है, ये सारी चीजें आपके सराउंडिंग भी है मैम। अभी हमने सोसाइटी तो देख ली, जो जो मैम ने हमें बताया था हमने फिजिकली देख लिया, सारा कुछ है यहाँ पे। अभी हम आपको सैंपल फ्लैट की तरफ ले चलते हैं, अभी वो देखते हैं कि किस तरह से बन रहा है।
जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पहले आप वो देखिए, अब जो हम नया बना रहे हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए।